था कि ईसा भी दिन आएगा, तो मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। तो प्रेम गीत 1 और 2 कितनी बार देखी थी इससे पहले आपने? मैंने बहुत बार देखी थी, गिनती तो पता नहीं, भूल गई। So if you were to review this trailer और अपनी परफॉर्मेंस की, भाई क्या बोलना चाहोगे? What do you have to say on this? अब यहाँ पे ये इंडियन मीडिया है, बड़े सारा प्यार मिलता है यहाँ से, है ना? So उनके सामने if you had to review this thing, what would you say? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, एज अ ऑडियंस भी, टीम में ही हूँ तो अच्छा लगना ही पड़ेगा। जी, आई होप कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आई हो, होप यू एंजॉय इट। We loved it and congratulations to the entire team for this. Sir, okay. This one's for you. मैं थापस आपके पास आऊंगा, लेकिन आप मुझे बताएं, your vision, you know, you've been a part of the entire thing, पूरी journey जो है, creative process जो है पूरा. अब जब यहाँ पे आप उसको देखते हैं, as a director, as a writer, as a creative person, what would you say? ये तो मैंने सोचा नहीं था, इधर ये मुंबई में, ये बॉलीवुड में, इंडिया में आके ऐसा होगा, लेकिन अभी मैं सोची कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने वो नेपाल के लिए वो सोचा था, ये हमने बहुत मेहनत की, क्योंकि इसको 120 से ज़्यादा हमने शूट किया हिमालय में जाके। सो अभी इधर जब सुभाष सर के यहाँ हम आया, वो स्टूडियो में जब काम शुरू किया, पहले हमको मुरली तिलवानी सर ने हमको चांस दिया, उन्होंने वो पसंद किया, फिर सुभाष सर के पास आए हम, उसके बाद अभी इधर आया। सो अभी तक जितना भी सपोर्ट मिला है, बहुत साथ मिला है, और हमने जो किया, जो मेहनत किया, वो हमने वो ऑडियंस के माध्यम दिया है। अब फिल्म सितंबर में जब फिल्म रिलीज होगा, तब हमने वो प्यार वेट कर रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, जो कंटेंट है ना इस समय, वही सबसे ऊपर है, और यहाँ जो देखा हमने, दैट इज अनबिलीवेबल। सो कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इफ यू वर टू टॉक अबाउट एंड योर इंस्पिरेशन, यू नो, मैंने सुना है कि आपने जो ये किरदार प्ले किया, आप बचपन से, यू नो, क्या क्या देखते थे ऐसा, जो जो लगा कि यार ये बिल्कुल हीरोइक अंदाज जिसमें आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है? बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम, we opt to choose speaking in Hindi because English से हम जब भी internationally जाते हैं तो English से choose करते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन हमें लगा कि English से हम wider तो पहुँच जाएंगे, लेकिन Hindi से दिल तक पहुँच जाएंगे। तो फिर तो हमें लगा कि फाइन इंग्लिश से बेहतर ब्रोकन हिंदी ठीक है हमारे लिए। तो सबके तरफ से हम ये आप लोग ये एक्सेप्ट कर दिए, हमारे ब्रोकन हिंदी भी हो तो भी एक्सेप्ट कर लिएगा ये सोचते हैं, और बाकी ये कि अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट दूसरी पिक्चर पे टोन अच्छी ना हो तो भी डब सिंग प्रॉपरली हो जाए। तो आपके क्वेश्चन थे, ये जो बिगेस्ट फिल्म लास्ट ऑफ लाइफ चीज जो हमने अटेम्प्ट की है पोर्ट्रे करने की, तो ऐसा हो गया था, मैं एक दो जगह पे मैंने भी बोला भी था कि अपना ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो भी है, जिस चीज़ से भी फिल्मों में आने की चाहत हुई ना, वो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा से ही है, भले वो अदर वेरियस फॉर्म पे हो, जैसे कि सीरियल की वजह से, जैसे रामायण महाभारत, ये हिंदी भी हमने इंडियन ये फिल्मों और क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो विजुअल थिंग से, ये जो भी चीज़ आती है ना टीवी पे, इन्हीं से सीखा, वहाँ पे हिंदी का लैंग्वेज तो होती नहीं, तो कहीं ना कहीं हम जुटे हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर से भाप बन के वो वहां जाके हिमालय में बर्फ गिरता है ना, और वही बर्फ फिर पिघल के वही समंदर में आती है ना, उसी तरीके से हम हिमालय से पिघल के वापस समंदर में आपके पास आ रहे, ऐसा फील रहा है। तो आप जो भी है यही से और फिर से वापस आने की ट्राई कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट चाहिए। मुझे आप ये बताओ, आप सच सच बताओ, गोस्ट राइटर आप ही तो नहीं हो, आपने लिखा हुआ है इसमें कुछ? सर ऊपर सर, Thank you so much, ladies and gentlemen. And Pawan bhai, are you still around? I think he stepped out. Sir, आप वो फिल्म लाइसेंस कर देंगे लेकिन मैं अभी कहाँ पर हूँ? डाल दो मुझे।
We'll take a look at the trailer one more time. गाना ये बढ़िया चल रहा है मजा है